जैसे आप शुरू कर रहे हैं, जैसे ये बच्चे आए पहले क्लास से, इनसे आपने क्या घर से खा के आया है? सब्जी भात। सब्जी भात। सब्जी किस चीज का? घोड़ा का। अच्छा, घोड़ा कैसा होता है? लंबा लंबा होता है, हरा होता है। और घोड़ा फलता कहाँ पे है? फलता कहाँ पे है? देखिए, एक सब्जी के बारे में हमको जानकारी हो गई। उसी तरह से क्रमशाम करते हुए है जिसे पूछते, आपने क्या खाना खा के आया है? चावल सर। अच्छा, सब्जी किस चीज का? आलू मटर का। मटर कहाँ फलता है? कलर के उसका रंग कैसा होता है? कलर उजला होता है। कलर उजला होता है। आलू कहाँ फलता है? आलू धरती के नीचे होता है। आलू की खेती धरती के नीचे होती है, यानी कि धरती के नीचे। कम से कम तो तीन सब्जियों के बारे में जानकारी हो गई। तो पहले क्लास के जो बच्चे हैं, इस गतिविधि को यदि हम करते हैं, उनको ये भी नहीं लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ाया जा रहा है, जबरन हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा है ना। और इसके द्वारा आपसे आत्मीय रूप से भी जुड़ेंगे और सब्जियों के नामों से भी परिचय होने के साथ साथ ये भी परिचय होंगे कि ये सब्जी कैसी होती है, कैसी